मैं पहले रीड आउट करूंगी प्राइड एंड प्रेजुडिस की, और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स शो करूंगी, और आई विल ट्राई कि क्योंकि इसका थोड़ा सा प्लॉट जो है ना, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, मुश्किल नहीं है, थोड़े से ज्यादा हैं, और कैरेक्टर्स भी थोड़े से ज्यादा हैं। एक चीज इसके अंदर याद रखिएगा कि इसके अंदर तीन फैमिलीज हैं, नंबर वन बेनेट फैमिली, नंबर टू बिंगली फैमिली और नंबर थ्री डार्सी। बेनेट फैमिली जो है, यानी कि मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, उनकी पांच बेटियां हैं, और उनके जो मिस्टर बेनेट फैमिली के साथ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है, तो मिस्टर बेनेट के मरने के बाद जो सारी जायदाद जाएगी वो मिस्टर बेनेट के भतीजे को जाएगी, जिसका नाम है मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस जो है वो मिसेस कैथरीन की जो स्टेट है वहां पे वो एक पादरी है, प्रीस्ट है। अब मिसेस बेनेट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जाहिर बात है उनकी पांच बेटियां, और जिस माँ की इतनी सारी माशाल्लाह बेटियां हो तो उसको क्या फिक्र होती है कि मुझे अपनी बेटियों की अच्छे घरों में शादी करनी है। एक स्टेट के वो मालिक हैं, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो स्टेट के मालिक नहीं रहेंगे, यानी कि वहां पे लड़कियों को, उसकी बेटियों को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए मिसेस बेनेट की ये ख्वाहिश होती है कि पहली बात ये कि उसकी बेटियों की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए, जो हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्चियों की अच्छे घर में, अच्छे स्टेटस वाले घर में शादी हो जाए। और जाहिर बात है वो लोग भी कि मतलब जिस जायदाद के मालिक थे वो भी कम नहीं थी। उसके बाद दूसरी चीज, मिस्टर कॉलिंस से किसी एक बेटी की शादी हो जाए, मिसेस बेनेट चाह रही होती है कि उनकी एक बेटी की शादी ना मिस्टर कॉलिंस से हो जाए। मिस्टर कॉलिंस जो है वो थोड़ा सा एक ह्यूमरस कैरेक्टर है, यानी कि बिल्कुल ही बेअकल किस्म का इंसान एक दिखाया गया है, जिसका शायद दिमाग काम ही नहीं करता, और बहुत ही जिसे कहना चाहिए एक ह्यूमरस, और मतलब जितनी एलिजाबेथ अगर इंटेलिजेंट थी तो उतना ही जो है मिस्टर कॉलिंस जो है वो टोटली ऑपोजिट था। टोटली ह्यूमरस कैरेक्टर है, यानी कि वो अकल से कहीं किसी भी जगह पे वो अकल से काम नहीं लेता, एक अजीब ही पर्सनालिटी दिखाई गई है। तो होता क्या है कि उस घर के पास, उस घर के बिल्कुल नेबर्स में एक ये बेनेट फैमिली होती है, तो बिंगली फैमिली का एक लड़का जो है वहां पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और उसका जो है मतलब मिस्टर बिंगली जो है वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो पूरी उस स्टेट के अंदर जहाँ पे एलिजाबेथ और ये बेनेट फैमिली रहती थी, तो उस पूरी स्टेट के अंदर एक कोहराम मच जाता है कि हमारे जो नेबर्स में एक अमीर लड़का आया, और हर कोई यही कोशिश कर रहा होता है कि मिस्टर बिंगले से जो है, क्योंकि ये अच्छी स्टेट का मालिक है, तो इससे जो है ना हमारी बेटी की शादी हो जाए। सेम इज द केस विद मिसेस बेनेट, वो चाह रही होती हैं कि उनकी किसी एक बेटी की शादी बिंगले के साथ, मिस्टर बिंगले के साथ हो जाए, यानी कि चार्ल्स बिंगले बिंगले के साथ। और चार्ल्स बिंगले कौन होता है? वो हर्सफोर्ड शायर का ऑनर होता है, उस स्टेट का। हर्सफोर्ड शायर एक स्टेट होती है, उसका ऑनर होता है, और बेनेट फैमिली कहाँ रह रही होती है? वो लॉन्ग बॉर्न में रह रहे होते हैं। अब होता ये है कि अल्टीमेटली जेन जो बड़ी बहन होती है, नंबर सबसे बड़ी बहन इस बेनेट फैमिली की जेन होती है, तो जेन और बिंगले आपस में, इनकी आपस में थोड़ा सा ये के लाइकिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड फाइनली मिसेस बेनेट को लगता है चलो भाई अब जेन की शादी जो है ना मिस्टर बिंगली के साथ हो जाएगी। जब मिस्टर कॉलिंस कहते हैं कि मिस्टर कॉलिंस यानी कि वही जो भतीजा होता है मिसेस जो मिस्टर बेनेट का जो भतीजा होता है मिस्टर कॉलिंस, जब वो मिसेस बेनेट को प्रपोजल के लिए कहता है फॉर मैरिज, तो साफ वो मिसेस बेनेट उनको इनकार कर देती हैं अबाउट द जेन, और वो कहती हैं कि जेन जो है ना एक्चुअली शी इज ऑलरेडी एंगेज्ड विद मिस्टर बेंगले, यानी कि वो उससे झूठ बोलती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो खुद चाह रही होती है और उनको पता चल जाता है, और वो खुद से बड़ी कोशिश करती हैं कि जेन और मिस्टर बेंगले ये आपस में मिलते जुलते रहें, और उसके लिए वो बहुत सारे इस तरह के
इवेंट्स मुनक्कद करती हैं या कोशिश करती हैं, या उनको ऐसे टाइम स्लॉट्स देती हैं, या उनको ऐसे ओकेजन प्रोवाइड करती हैं जिससे उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो और इन दोनों की शादी हो जाए। तो मिसेस बेनेट उसे कहती है, जेन से तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि जेन की शादी, जेन इज ऑलरेडी एंगेज्ड विद मिस्टर बिंगली। तो तुम ऐसा करो, तुम एलिजाबेथ से शादी करो। जब वो एलिजाबेथ से बात करती है कि इस तरीके से तुम्हारे लिए मिस्टर कॉलिंस का रिश्ता आया, तो मिस्टर कॉलिंस जो है, एलिजाबेथ फौरन से इनकार कर देती है कि मैं इस तरह के बेवकूफ इंसान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद बहुत इंटेलेक्चुअल होती है, इस वजह से वो उस शादी से इनकार कर देती है। अब आ जाए बिंगली की फैमिली, ये टोटल हो गया जनाब यहाँ। अब जब जेन जो है, सॉरी एलिजाबेथ जो है, शादी से इनकार करती है, तो मिस्टर कॉलिंस जो है वो जेन की, सॉरी एलिजाबेथ की जो बेस्ट फ्रेंड होती है, हर नेम इज शार्लोटा, वो शार्लोटे को जो है ना प्रपोज कर देता है, ठीक है। और शार्लोटा फौरन से मान जाती है कि क्योंकि वो इस इंतजार में होती है, और वो क्यों कि लाइक वो शादी को ये समझती है कि इंसान शादी इसलिए करता है कि उसको, औरत जो है अपने स्टेटस को सिक्योर करने के लिए शादी करती है, और ताकि उसके सर पे एक छत हो, ठीक है, और उसको सोसाइटी में एक जो है स्टेटस मिल जाता है। अब मिस्टर कॉलिंस और शार्लोटा की शादी हो जाती है, ठीक हो गया, यहाँ पे हो गई। ये अब सारा मैंने एलिजाबेथ के हिसाब से आपको कहानी सुना दी कि एलिजाबेथ के हिसाब से कहानी किस तरफ को चल रही थी, यानी कि बेनेट फैमिली के। अब आ जाए जो साथ बिंगली जो फैमिली है उस तरफ आ जाए। अब जरा ये पॉइंट्स लिखते जाए। अब होता ये है कि वो जो बिंगली फैमिली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि चार्ल्स बिंगली जो कि एक बहुत बड़ी स्टेट खरीदता है, और वो हर्ट्सफोर्ड शायर स्टेट का ऑनर भी होता है और अच्छा खासा रिच होता है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है मिस्टर डार्सी, ठीक हो क्या। मिस्टर चार्ल्स बिंगली जो है उसकी दो बहनें होती हैं। पहले तो मैं डार्सी के बारे में आपको बताता हूँ, जितना चार्ल्स बिंगली जो है खुश मिजाज होता है, डार्सी जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो उतना ही ऑपोजिट होता है, प्राउड होता है, स्टेटस कॉन्शियस होता है, और अपने आप पे बड़ा उसको नाज होता है, इस किस्म का कुछ वो इंसान होता है। अब डार्सी जो है वो पेम्बरली स्टेट में रहता होता है, ठीक है, लेकिन वहां पे चार्ल्स बिंगली से वो मिलने आता है उसके घर पे, यहीं पे लॉन्ग बॉर्ड में, जहाँ पे बेनेट फैमिली के नेबर्स में, नेबरहुड में ये उससे मिलने आता है। अब वहां पे कोई एक डांस पार्टी उसी एरिया के अंदर, जो कि मिसेस कॉलिन एक और कैरेक्टर है, मिसेस मिस कॉलिन सॉरी मिसेस कैरोलिन, मिस कैरोलिन जो है वो एक डांसिंग पार्टी अरेंज करती हैं, जिसके अंदर जितने भी नेबर्स होते हैं वो सब इनवाइटेड होते हैं। उसके अंदर डार्सी भी होता है, उसके अंदर एलिजाबेथ होती है, जेन होती है, मिस्टर बिंगली होते हैं, ठीक है, ये सब वहां पे इकट्ठे होते हैं। उस डांसिंग पार्टी के अंदर मिस्टर बिंगली और जेन की आपस में, जो कि एलिजाबेथ की बड़ी बहन होती है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा, मिस्टर बिंगली जब डार्सी को कहते हैं एलिजाबेथ की तरफ इशारा करके कि मतलब शी इज वेरी प्रिटी, तो डार्सी कहते हैं शी इज नॉट प्रिटी एनफ टू टेम्प्ट मी, यानी कि वो इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि वो मुझे अट्रैक्ट करे। एलिजाबेथ कहीं पीछे खड़ी होती है और एलिजाबेथ ये सारी बातें सुन लेती है, और वहीं से एक्चुअली एलिजाबेथ का प्रेजुडाइस स्टार्ट होता है कि ये जो डार्सी है ना उसके बारे में उसका गुमान जो है ना वो गलत हो जाता है, और फाइनली वो यही समझती है कि ये कोई बहुत ही प्राउड किस्म का, फजूल किस्म का अमीरजादा है, बिगड़ा हुआ अमीरजादा है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से। अब डार्सी गुड लुकिंग होता है, सारी उस पार्टी के अंदर, पूरी महफिल के अंदर हर किसी की नजर डार्सी के ऊपर होती है, और डार्सी जो है उसका वही कमेंट जो है वो एलिजाबेथ के जहन में बैठ जाता है कि ये जो है ना लड़का ठीक नहीं है और इसने मेरे बारे में इस तरीके से कहा है। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये जो चार्ल्स बिंगली है, इसकी दो बहनें होती हैं, एक मैरिड होती है, एक अनमैरिड होती है। जो अनमैरिड होती है ना, शी इज इंटरेस्टेड इन डार्सी, वो चाहती है कि उसकी शादी जो है ना डार्सी के साथ हो जाए। तो फाइनली ये होता है कि जेन जो है एक कहीं जाती है, अपनी किसी आंटी के घर जाती है, और जेन वहां जाके बीमार हो जाती है।
एलिजाबेथ उधर ही जाती है और बाय चांस जो है जो उसकी वो जो आंटी होती हैं उसी के नेबर्स में ये डार्सी भी होता है। फिर वो आगे मैं आपको सारी कहानी, अब ये मोटी मोटी जो कहानी है वो मैं आपको सुना चुकी हूँ, अब जो मजीद डिटेल्ड कहानी है वो अब हम थोड़ा सा अपने यहीं से पढ़ते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। कुछ कहानी जो है वो मैं आपको थोड़ा सा मजीद आगे जाके एक छोटी सी स्लाइड शेयर करूंगी, और स्लाइड भी नहीं है, एक छोटा सा इमेज है जो मैं आपको शेयर करूंगी, और उसमें फिर मैं आपको कुछ इमेजेस के जरिए उस कहानी को समझाने की कोशिश करूंगी। अब इस कहानी को समझने के लिए एक काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ना पॉइंट्स बनाने हैं कि प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस इधर इवेंट्स बहुत ज्यादा है, इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट इसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोगों ने इसको मार्क करते जाना है कि पहले ये हुआ था, फिर सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, क्योंकि ये सारे इवेंट्स अदरवाइज आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। अभी मैंने आपको फैमिली वाइज बताया कि इन फैमिलीज के अंदर ये था, ठीक हो क्या? तो ये हो गया, ठीक है। अब आप खोलिएगा बेटा, करंट नोट्स खोलें, प्राइड एंड प्रेजुडिस समरी इन इंग्लिश, लेट्स स्टार्ट। Pride and Prejudice is the most famous of Jane Austen's novel. It is one of the first romantic comedies in the history of novel, and its opening is one of the most famous lines in English literature. Pride and Prejudice jo hai wo most famous hai Jane Austen ki novel ki, and it is the first romantic comedies in history of novel. Pehli romantic comedy hai history of novel, and its opening is one of the most famous line in English literature. और इसकी जो ओपनिंग होती है वो इस इंग्लिश लिटरेचर की फेमस लाइन के साथ होती है। इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, कि ये एक ट्रुथ है जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है कि एक मैन जो कि अच्छी पोजीशन में है, यानी कि अच्छे स्टेटस का मालिक है, ऑफ अ गुड फॉर्च्यून, ठीक है, एक अच्छे स्टेटस का मालिक है, हाई स्टेटस का मालिक है, मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, तो वो उसको एक ही मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, यानी कि उसको जरूर जो है फौरन से शादी कर लेनी चाहिए, यानी कि एक कवारा लड़का जो कि अच्छी फॉर्च्यून का मालिक है, ही मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, ठीक है, तो उसको अपनी बीवी जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लेनी चाहिए, मस्ट बी, ठीक है। Its manuscript was first written between 1796 and 1797. Manuscript किसे कहते हैं? Manuscript कहते हैं जब किसी book की published होती है ना, edition published होता है, उससे पहले वो जो एक जो copy बनाई जाती है, यानी कि एक rough जैसे कहना चाहिए हम, जैसे notes बनाए जाते हैं, उसको manuscript कहा जाता है। And was initially called first impression, but was never published under that title. Lekin wo title ke under kabhi published nahi hua. Following revisions, it was first published on January 25th, 1813. The news that a wealthy young gentleman named Charles Bingley, ठीक है, ये news के एक young gentleman Charles Bingley जो है has rented the manor of Netherfield Park causes a great stir in nearby village of Longbourn. वो जो है चार्ल्स बिंगली जो है वो नेदरफील्ड पार्क जो कि एक स्टेट होती है नियर द विलेज ऑफ लॉन्गबर्न, उस वो जो है स्टेट खरीद लेता है, ही इज द ऑनर ऑफ दैट स्टेट, और वो उसको रेंट पे दे देता है। तो फाइनली ये जो खबर होती है वो पूरे विलेज के अंदर एक धूम मच जाती है इस खबर की कि भाई एक बहुत अमीरजादा है जो कि यहाँ पर रहने आया, वो उनके नेबर हाउस में ही आ जाता है, स्पेशली इन द बेनेट हाउस, स्पेशली बेनेट हाउस में, क्योंकि उसकी मिसेस बेनेट की 5 बेटियां होती हैं। द बेनेट हैव अ 5 अनमैरिड डॉटर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लिडिया, एंड मिसेस बेनेट इज डेस्परेट टू सी देम ऑल मैरिड, और मिसेस बेनेट जो है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होती हैं टू सी देम ऑल मैरिड कि कहीं किसी तरह इन सबकी शादी हो जाए। आफ्टर मिस्टर बेनेट पेज अ सोशल विजिट टू मिस्टर बिंगली, जब मिस्टर बेनेट जो है मिस्टर बिंगली से मिलने जाते हैं, हमारे भी नेबर्स में जब कोई आता है तो हम उससे मिलने जाते हैं ना, और उसको वेलकम करके आते हैं कि आप हमारे घर आइएगा,
क्या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा. द बेनेट्स अटेंड अ बॉल एट विच मिस्टर बिंगली इज प्रेजेंट. तो ये पूरी जो बेनेट फैमिली होती है ये एक बॉल यानी कि एक डांसिंग पार्टी होती है वो अटेंड करते हैं जहाँ पे मिस्टर बिंगली भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि चार्ल्स बिंगली की बात हो रही है. बिंगली एट वंस फॉल इन लव विद जेन एंड स्पेंड्स मच ऑफ द इवनिंग डांसिंग विद हर. तो बिंगली जो है वो जेन से मोहब्बत कर बैठता है और सारी जो वो इवनिंग है वो उसके साथ डांस करते हुए गुजार देता है. However, his close friend Mr. Darcy is less pleased with the evening and heartily refuses to dance with Elizabeth. और Mr. Darcy जो होता है वो थोड़ा सा सड़ियल और अकड़ू किस्म का इंसान होता है, तो वो जो है ना उस पूरी इवनिंग में जो है वो बहुत ही unpleased सा, less pleased फील करता है और वो Elizabeth के साथ डांस करने से इनकार कर देता है जो कि जेन की यंग सिस्टर होती है. In his conversation with Bingley, he rejects Elizabeth as tolerable but not handsome enough. और वो जो है बिंगली से बात कर रहा होता है और वो कहता है, वो जब बिंगली उसको कहता है कि भाई तुम एलिजाबेथ के साथ मतलब अच्छी कंपनी गुजार सकते हो, तो वो इनकार कर देता है. वो कहता है कि भाई she is tolerable but not handsome enough. टॉलरेबल तो है बट शी इज नॉट हैंडसम एनफ कि वो मुझे टेम्प्ट कर सके, इतनी वो जो है हैंडसम नहीं है. टू टेम्प्ट हिम दिस कन्वर्सेशन इज हियर्ड बाय एलिजाबेथ टू एंड शी कम्स टू व्यू हिम एज एन एरोगेंट एंड ऑब्नॉक्शियस फेलो. और ये बात जो है एलिजाबेथ सुन लेती है और वो कहती है कि ये इंतहा का कोई एरोगेंट और ऑब्नॉक्शियस फेलो है. एट सोशल फंक्शन यहाँ से एक्चुअली प्राइड एंड प्रेजुडिस होता है. प्राइड किसका था, मिस्टर डार्सी का था, और प्रेजुडिस किसका था, एलिजाबेथ का था. मोर ओवर एलिजाबेथ को अपने व्यू पॉइंट के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर कि वो लोगों के बारे में जो भी सोचती है उसको अपने ऊपर बड़ा नाज होता है कि मैं बड़ी जल्दी लोगों को परख लेती हूँ. तो ये उसका प्राइड होता है जो कि उसके प्रेजुडिस के ऊपर एक क्लाउड आ जाता है, उसको क्लाउड कर देता है और वो मिस्टर डार्सी की पर्सनालिटी को सही तौर पे जज नहीं कर पाती. एट सोशल फंक्शंस ओवर सब्सिक्वेंट वीक्स हाउएवर मिस्टर डार्सी फाइंड्स हिमसेल्फ इंक्रीजिंग अट्रैक्टेड टू एलिजाबेथ चार्म एंड इंटेलिजेंस. लेकिन जब सब्सिक्वेंट वीक्स में वो सोशल फंक्शंस होते हैं तो मिस्टर डार्सी जो है उसको लगता है कि वो एलिजाबेथ के चार्म और इंटेलिजेंस की वजह से वो बहुत अट्रैक्टेड फील करता है उसकी तरफ. Jane's friendship with Mr. Bingley also continues to burgeon. और Mr. Jane और Mr. Bingley और Jane की भी friendship बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है. And Jane pays a visit to the Bingley mansion. और Jane जो है ना Bingley mansion यानी कि Bingley house में जाती है जहाँ पे उनकी पूरी family रहती है, उनसे मिलने जाती है. On her journey to the house, यानी कि Bingley के जब house वो जाती है, she is caught in a downpour and becomes ill. ठीक है, उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है और सर्दी लग जाती है कोल्ड से और वो बहुत शदीद किस्म की बीमार हो जाती है, फोर्सिंग हर टू स्टे एट नेदरफील्ड फॉर सेवरल डेज. क्योंकि वो आपको मैंने बताया था कि बिंगली की जो स्टेट है वो नेदरफील्ड स्टेट होती है, तो वो नेदरफील्ड उसको रुकना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेंड टू जेन. और क्योंकि जेन वहां पे अकेली होती है तो जेन को संभालने के लिए फिर उसकी बहन एलिजाबेथ जो है also goes to Bingley's mansion. ये सब भी एलिजाबेथ भी जेन को देखने के लिए कि मेरी बहन बीमार हो गई है, तो वो उसकी टेक केयर करने के लिए वो बिंगली मैंशन पहुंच जाती है. बट ड्यू टू रेन शी हैज टू पास थ्रू मडी फील्ड्स एंड अराइव्स विद अ स्पैटर्ड ड्रेस. लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और क्योंकि वो मडी फील्ड से गुजरती है, विलेज में रहते होते हैं ना ये, तो वो जब पहुंचती है ना उस घर के अंदर तो उसका पूरा जो ड्रेस होता है ना वो मड से और बारिश से पूरा भीगा हुआ होता है. मस्ट टू डिस्टेन ऑफ स्नोबिश मिस बिंगली, चार्ल्स बिंगली सिस्टर. और ये जो है मिस बिंगली जो है वो उसको काफी इस बात पे रिब्यूक करती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसको बहुत ज्यादा डिस्टेन करती है, उसकी बेइज्जती करती है जो कि चार्ल्स बिंगली की सिस्टर होती है. मैंने आपको बताया था कि दो बहनें होती हैं चार्ल्स बिंगली की और दोनों को अपने ऊपर बड़ा नाज होता है. उनमें एक मैरिड होती है, एक अनमैरिड होती है. जो अनमैरिड होती है शी इज इंटरेस्टेड इन डार्सी. मिस बिंगली स्पाइट इंक्रीजेस व्हेन शी नोटिसेस दैट डार्सी होम शी इज परसुइंग पेज क्वाइट बिट अटेंशन टू एलिजाबेथ.
अब मिस बिंगली जो कि चाह रही होती है कि उसकी शादी डार्सी से हो जाए, जब वो ये देखती है ना कि डार्सी की ज्यादा अटेंशन एलिजाबेथ की तरफ है, तो वो और ज्यादा जेलस फील करती है और ज्यादा उनके रास्ते में, उनके रिलेशन में हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करती है। व्हेन एलिजाबेथ एंड जेन रिटर्न होम, दे फाइंड मिस्टर कॉलिंस विजिटिंग देयर हाउस। जब एलिजाबेथ और जेन घर वापस आते हैं, मिस्टर तो वो देखते हैं कि कॉलिंस जो है, मिस्टर कॉलिंस वो उनके घर पे चक्कर लगाता है। मिस्टर कॉलिंस इज अ यंग एलर्जी मैन हु स्टैंड्स टू इनहेरिट मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन एंटेल्ड, मीनिंग दैट इट कैन ओनली बी पास डाउन टू मेल हायर्स। मिस्टर कॉलिन जो है वो एक यंग एलर्जी मैन है जो कि जिसके हाथ जो है मतलब मिस्टर बेनेट की सारी प्रॉपर्टी किसको मिलनी है, मिस्टर कॉलिन्स को मिलनी है, विच हैज बीन एंटेल्ड, जिसको एंटेल्ड किया गया है, मीनिंग दैट इट कैन ओनली बी पास डाउन टू मेल हायर, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मेल हायर्स को जाएगी, फीमेल हायर्स को नहीं जाएगी। मिस्टर कॉलिंस इज अ पॉम्पस फूल दो ही इज क्वाइट एंथ्रॉल्ड बाय बेनेट्स गर्ल। पॉम्पस फूल था लेकिन वो बेनेट्स गर्ल की तरफ बहुत ज्यादा एंथ्रॉल्ड था, वो चाहता था कि इनमें से किसी एक से मेरी शादी हो जाए। शॉर्टली आफ्टर हिज अराइवल ही अनाउंसेस दैट ही वुड लाइक टू मैरी वन ऑफ बेनेट गर्ल। और जब वो वहां पे पहुंचता है तो वो अनाउंस करता है कि भाई ही वुड लाइक टू मैरी वन ऑफ बेनेट, कि मतलब मैं किसी एक बेनेट गर्ल से शादी करना चाहता हूँ। मिसेस बेनेट बोस्ट दैट जेन इज ऑलरेडी एंगेज्ड टू बिंगली। और मिसेस बेनेट जो है बड़ी शेफी जो है वो बड़ा अपने आप को बोस्ट करती है कि भाई देखो मेरी बेटी की तो अच्छे घर में शादी हो रही है जेन की, और उसकी बिंगली से शादी हो रही है, एंड ही शुड कंसिडर एलिजाबेथ फॉर दिस पर्पज। और इस पर्पज के लिए वो कहती है उसको कि तुम एलिजाबेथ को कंसीडर कर लो। Does he makes a proposal of marriage to Elizabeth? तो इस वजह से वो एलिजाबेथ को एक मैरिज प्रपोजल देता है, which he turns down bounding his pride, जो कि वो फौरन से रिजेक्ट कर देती है। टर्न्स डाउन यानी कि रिजेक्ट कर देती है बाउंडिंग हिज प्राइड, उसके प्राइड को बाउंड करती है, यानी कि कॉलिन मिस्टर कॉलिन्स के अंदर भी एक प्राइड होता है तो वो उसके प्राइड को बिल्कुल बाउंड करके रख देती है, जो उसको बड़ा नाज होता है कि शायद क्योंकि मैं स्टेट का मालिक होने वाला हूँ तो मुझे कोई शायद लड़की रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन फाइनली फाइनली जेन एलिजाबेथ जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। मीन वाइल द बेनेट गर्ल्स हैव बिकम फ्रेंडली विद मिलिटिया ऑफिसर स्टेशन इन नियर बाय टाउन। बेनेट गर्ल्स जो होती है ना वो नियर बाय स्टेशन टाउन में एक मिलिटिया ऑफिसर स्टेशन होता है, वहां पे वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है, यानी कि नीचे की जो स्पेशली तीन बेटियां होती है ना वो जो है उनमें से दो जो है थोड़ी सी उनकी फ्लर्टियस नेचर होती है, तो वो जो है नियर बाय टाउन जो है स्टेशन वहां पे मिलिटिया ऑफिसर स्टेशन होता है, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा मतलब ऑफिसर्स के साथ फ्रेंडली हो जाती है। अमोंग देम इज विकम, उन्हीं मिलिटिया ऑफिसर्स में एक विकम था, अ हैंडसम यंग सोल्जर हु इज फ्रेंडली टूवर्ड एलिजाबेथ। एक हैंडसम यंग सोल्जर था जो कि फ्रेंडली था टूवर्ड्स एलिजाबेथ, एंड टेल्स हाउ डार्सी क्रूएली चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। और वो उसको बताता है कि किस तरह से डार्सी ने उसको क्रूएली चीट किया है आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस, यानी कि उसको चीट किया जिसकी वजह से उसको जो जायदाद मिलनी थी वो डार्सी को नहीं मिली। एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर द बिंगलीज एंड डार्सी लीव नेदरफील्ड एंड रिटर्न टू लंडन। जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं, विंटर स्टार्ट होती है, एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर बिंगली और डार्सी जो है वो नेदरफील्ड छोड़ देते हैं और वो लंदन वापस आ जाते हैं। मच टू जेन्स डिसमे, और जो कि जेन को बहुत बड़ा इसका धचका लगता है, यानी कि बिंगली जो है वहां से जब चला जाता है तो जेन के लिए बहुत बड़ा धचका होता है। अ फर्दर शॉक अराइव्स व्हेन द न्यूज दैट मिस्टर कॉलिंस हैज बिकम एंगेज्ड टू शार्लोट लुकास। और एक और शॉक जो है वो लगता है जब वो लोग ये न्यूज सुनते हैं कि मिस्टर कॉलिंस जो है उसकी शादी वो जो है सॉरी एंगेज हो गए शार्लोटे लुकास के साथ, एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड एंड पुअर डॉटर डॉटर ऑफ अ लोकल नाइट। गरीब लड़की होती है लोकल नाइट की और एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड होती है। शार्लोटे एक्सप्लेन्स टू एलिजाबेथ दैट शी इज गेटिंग ओल्डर एंड नीड्स द मैच फॉर फाइनेंशियल रीजन।
जब एलिजाबेथ उससे पूछती है कि तुमने इस बेवकूफ से शादी क्यों की है, तो वो उसको कहती है बिकॉज शी इज गेटिंग ओल्डर, क्योंकि उसकी एज जो है, उम्र जो है वो गुजरती जा रही है, एंड नीड्स द मैच फॉर फाइनेंशियल रीजन, और इस वजह से उसको एक फाइनेंशियल रीजन की वजह से एक मैच चाहिए था. चार्लोट एंड मिस्टर कॉलिंस गेट मैरिड एंड एलिजाबेथ प्रॉमिसेस टू विजिट देम एट देयर न्यू हाउस. चार्लोटा और मिसेस कॉलिंस जो है उन दोनों की आपस में शादी हो जाती है, और एलिजाबेथ जो है वो कहती है कि भाई मैं तुम्हारे नए घर में जरूर विजिट करूंगी. एज विंटर प्रोग्रेसेस जेन विजिट्स द सिटी टू सी फ्रेंड्स. जैसे ही विंटर प्रोग्रेस होती है तो जेन जो है वो विजिट करती है सिटी में टू सी फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए, यानी कि होपिंग ऑल्सो दैट शी माइट सी मिस्टर बेंगली, के शायद उसको मिस्टर बेंगली जो है वो भी वहां पे मिल जाए. However, Miss Bingley visits her and behaves rudely. हालांकि Miss Bingley जो है वो उसको विजिट करती है लेकिन उससे बहुत ज्यादा rudely behave करती है. Why Mr. Bingley fails to visit her at all? लेकिन Mr. Bingley जो है वो उससे उसको विजिट नहीं कर पाता. The marriage prospect for Bennet girl appear bleak. और वो जो marriage prospect था Bennet girls का, वो बिल्कुल bleak हो जाता है. यानी कि Jane जो है बिंगली जो है वैसे ही गायब हो जाता है, और बाकी रह गया मिस्टर कॉलिंस जो मिसेस बेनेट चाह रही होती मेरी एक बेटी की शादी उससे हो जाए, मिस्टर कॉलिंस की भी किसी और लड़की से शादी हो जाती है. अब जो है वो सारा कुछ जो है ना, जिसे कहना चाहिए कि उस वो जो प्रपोजल वाली मैरिज प्रपोजल वाला या मैरिज सीन था वो सारा ब्लीक हो जाता है बेनेट गर्ल्स के लिए. दैट स्प्रिंग एलिजाबेथ विजिट्स शार्लोट. उस स्प्रिंग में एलिजाबेथ जो है वो विजिट करती है शार्लोटे को, हु नाउ लिव्स नियर द टाउन नियर द होम ऑफ मिस्टर कॉलिंस पैट्रन लेडी कैथरीन डी वॉच. एलिजाबेथ जो है शार्लोटे को विजिट करती है, जो कि अब लेडी कैथरीन डी वॉच जो कि डार्सी की आंटी होती हैं, उन उसके ही नेबर में उसी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है शार्लोटे और मिस्टर कॉलिंस जो शादी होके मतलब रहते हैं, तो वो उसी स्टेट के अंदर रहते हैं जहाँ पे डार्सी की जो आंट होती हैं लेडी कैथरीन डी बॉज, वो वहां पे उनके नेबर्स में रहती हैं. डार्सी कॉल्स ऑन लेडी कैथरीन एंड एनकाउंटर्स एलिजाबेथ. डार्सी जो है अक्सर जो है लेडी कैथरीन की तरफ जाता है और वहां कहीं उसका एनकाउंटर हो जाता है एलिजाबेथ से, उसकी मुलाकात हो जाती है. हूज प्रेजेंस लीड्स हिम टू मेक अ नंबर ऑफ विजिट्स टू कॉलिंस होम. और जिसकी जो प्रेजेंस होती है यानी कि एलिजाबेथ की प्रेजेंस की वजह से वो अक्सर कॉलिंस के घर आना जाना शुरू कर देता है. वेयर शी इज स्टेइंग, जहाँ पे वो स्टे कर रही होती है यानी कि अपनी फ्रेंड के घर वो स्टे कर रही होती है ना, तो वहां पे डार्सी आना जाना शुरू कर देता है. वन डे ही मेक्स अ शॉकिंग प्रपोजल ऑफ मैरिज. एक दिन वो एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है विच एलिजाबेथ क्विकली रिफ्यूजेस, जो कि एलिजाबेथ फौरन से रिफ्यूज कर देती है. एक्चुअली ड्यूरिंग हर स्टे at Mr. Collins' home, Colonel Fitzwilliam, a cousin of Darcy, informs her that Darcy was instrumental in persuading Bingley to leave Netherfield and thus he separated Jane from Bingley. असल में होता क्या है कि जब वो अपने stay कर रही होती है Collins के home, तो Colonel Fitzwilliam जो के cousin होता है Darcy का, वो उसको ये कह देता है कि ये जो मिस्टर बिंगली है उसने नेदरफील्ड इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसको डार्सी ने कहा था, डार्सी की वजह से उसने नेदरफील्ड को छोड़ दिया, थस ही सेपरेटेड जेन फ्रॉम बिंगली. इस वजह से उसने जेन को बिंगली से दूर कर दिया, यानी कि तुम्हारी बहन में और बिंगली का जो आपस में रिश्ता टूटा है वो उसके पीछे डार्सी का हाथ है. देयरफॉर शी टेल्स डार्सी दैट शी कंसीडर्स हिम एरोगेंट एंड अनप्लेजेंट. Then scolds him for steering Bingley away from Jane and disinheriting Wickham. और फिर वो उसको काफी सुनाती है और उसको कहती है डार्सी को कि वो उसको arrogant और unpleasant feel करती है या consider करती है, और वो उसको काफी scold करती है कि तुम्हारी वजह से Bingley और Jane एक दूसरे से दूर हुए हैं और तुम्हारी वजह से Wickham जो है उसको उसकी जायदाद नहीं मिली. Darcy leaves her but shortly thereafter delivers a letter to her. Darcy foreign se wahan se chala jata hai lekin ek short letter usko dikhta hai. In this letter he admits that he urged Bingley to distance himself from Jane.
तो वो उसको कहता है कि मैं ये मानता हूं कि मैंने ही बिंगली को मजबूर किया था कि वो जेन से दूर रहे, बट क्लेम्स ही डिड सो ओनली बिकॉज ही थॉट देयर रोमांस वाज नॉट सीरियस. कि वो कहता है कि मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे लगता था इनका जो रोमांस है वो दूर, मतलब सीरियस नहीं है. मोर ओवर एलिजाबेथ्स मदर एंड हर सिस्टर हैड डिस्प्लेड पुअर मैनर्स व्हिच इट इज लाइक. और दूसरी चीज ये कि एलिजाबेथ की मदर और उसकी जो सिस्टर्स हैं, जो छोटी उसकी बहनें थी, उनके पुअर मैनर था जिसकी जो कि उसको पसंद नहीं आया. एज फॉर विकम, अब वो विकम की बात करता है कि एज मतलब एज कंसर्न फॉर विकम, ही इन्फॉर्म्स एलिजाबेथ दैट द यंग ऑफिसर इज अ लायर, कि वो झूठा है, एंड दैट द रियल कॉज ऑफ देयर डिसएग्रीमेंट वाज विकम अटेम्प्ट टू एलॉप विद यंग सिस्टर. और वो कहता है कि विकम के साथ जो है उसकी जो अनबन है वो इस वजह से हुई थी क्योंकि विकम एक फ्लर्ट है और वो उसकी बहन को भगा के ले जाना चाहता था, उसकी जो यंग सिस्टर जिसका नाम जॉर्जियाना डार्सी है. दिस लेटर कॉसेस एलिजाबेथ टू रीवैल्यूएट हर फीलिंग्स अबाउट डार्सी. रीवैल्यूएट यानी कि रिकंसीडर करे वो अपनी फीलिंग्स को अबाउट डार्सी. ही रिटर्न्स होम एंड एक्ट्स कोल्डली टुवर्ड्स विकम. वो घर जाती है और बहुत ही कोल्डली बिहेव करती है टुवर्ड विकम. द मिलिटिया इज लिविंग टाउन. और वो जो मिलिटिया यानी कि वो जो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं वो जो है टाउन को छोड़ के जा रहे होते हैं, विच मेक्स यंगर रादर मैन क्रेजी, बेनेट गर्ल्स डिस्ट्रॉट. जिसकी वजह से वो जो यंगर यानी कि मैन क्रेजी बेनेट गर्ल्स जो हैं वो बड़ी डिस्ट्रॉट हो जाती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इरिटेट होती हैं वही जो बेनेट गर्ल्स जिनकी उन मिलिट्रिया ऑफिसर्स के साथ बड़ी जो है फ्रेंडशिप हो जाती है, जिनका अपना बहुत ज्यादा जो यानी कि यहाँ पे मैन क्रेजी लिखा हुआ है ना, मैन क्रेजी मीन कि जो मर्दों की कंपनी में रह के अपने मतलब खुश रहना पसंद करती हैं, तो उस तरह की कुछ वो तीनों लड़कियां, मतलब तीनों तो नहीं, उनमें से दो छोटी जो होती हैं वो इस तरह की होती है, एक थर्ड वन और एक लास्ट वन. तो वो जो है बहुत ज्यादा इस वजह से मतलब एक उन डिस्ट्रॉट हो जाती हैं बहुत ज्यादा. वो मतलब जैसे कहना चाहिए एग्रेसिव भी हो जाती हैं. लिडिया मैनेज टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम हर फादर टू स्पेंड द समर विद एन ओल्ड कर्नल इन ब्राइटन where Wickham's regiment will be stationed. Lydia जो है वो अपने फादर से जो है परमिशन लेती है कि वो जो है समर जो है एक ओल्ड कर्नल जो कि ब्रिंटन में रहता है वहां पे उनके घर में स्पेंड करे, जहाँ जहाँ पे विकम की रेजिमेंट जो है वहां पे स्टेशन थी, यानी कि विकम के जितने भी सोल्जर्स थे या उसका पूरा जो दस्ता होता है जैसे कहना चाहिए, जो मिलिटिया का दस्ता होता है, ठीक है, वो वहां पे स्टेशन होते हैं, वो वहां पे रुके हुए होते हैं. विद द अराइवल ऑफ जून, अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली आर्मी ऑफिसर होता है, तो आर्मी ऑफिसर्स जो हैं इनके जगह जगह प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं, एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं, तो ये विकम जो है वो एक आर्मी मिलिटिया ऑफिसर होता है और ये लोग जगह जगह इनकी एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं. तो वो जो है एक ओल्ड कर्नल के घर में शिफ्ट हो जाती है जो कि ब्रिंगटन में रहता है, सॉरी ब्राइटन में. तो उसके बाद विद द अराइवल ऑफ जून एलिजाबेथ गोज ऑन एन अदर जर्नी. जून के यानी कि समर स्टार्ट होते ही एलिजाबेथ जो है एक और जर्नी पे जाती है. दिस टाइम दिस वाज गार्डनर्स, इस दफा वो गार्डनर्स के घर जाती है. हु आर रिलेटिव ऑफ द बेनेट. इससे पहले वो किसके घर गई थी, शार्लोटे और अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गई थी ना, शार्लोटे और मिस्टर कॉलिंस के घर, जहाँ पे उसकी डार्सी के साथ मुलाकात होती है एंड दिस एंड दैट. अब वो जो है जा रही है जनाब गार्डनर्स के घर, ये जरा यहाँ पे पॉइंट आउट कर लें, जो कि बेनेट्स के रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जो कि उसके गार्डनर्स यानी कि बेनेट्स के. मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर एक्चुअली ही इज द ब्रदर एंड मिस्टर सॉरी मिस्टर गार्डनर इज द ब्रदर ऑफ मिसेस बेनेट, ठीक है, अपने मामू के घर जाती है वो, समझ आ गई, मामू और मुमानी. द ट्रिप टेक्स हर टू द नॉर्थ एंड इवेंचुअली टू द नेबर ऑफ द पेम्बरली डार्सी स्टेट. अब ये जो ट्रिप होता है वो उसको नॉर्थ की तरफ ले जाता है और इवेंचुअली वो डार्सी की स्टेट के नेबरहुड में पहुंच जाती है. शी विजिट पेम्बरली आफ्टर मेकिंग श्योर दैट डार्सी इज अवे. वो पेम्बरली जाती है, पहले वो ये देखती है कि डार्सी वहां से जा चुका है या है ही नहीं, एंड इज डिलाइट्स इन बिल्डिंग एंड ग्राउंड्स.
और वो खुश होती है इन बिल्डिंग एंड ग्राउंड्स, वहां की बिल्डिंग और ग्राउंड से, यानी कि जो डार्सी की स्टेट होती है पेम्बर्ली, वो वहां पे जाती है, डार्सी वहां पे नहीं होता और वो वहां पे जाके बहुत खुश होती है व्हाइल हियरिंग फ्रॉम डार्सी सर्वेंट दैट ही इज अ वंडरफुल जेनरस मास्टर. लेकिन जब वो वहां पे जाती है तो उसको ये पता चलता है उसके सर्वेंट से कि वो तो बहुत ही वंडरफुल जेनरस मास्टर है, रहमदिल मास्टर है. सडनली डार्सी अराइव्स एंड बिहेव्स कॉर्डियली टुवर्ड्स हर, making no mention of his proposal. He entertains the gardeners and invites Elizabeth to meet his sister. Darcy वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल normally उसके साथ behave करता है, बहुत मतलब compassionately behave करता है, और वो अपने proposal से related कुछ भी mention नहीं करता, और वो gardeners को यानी कि उसके मामू और मामानी को और Elizabeth को invite करता है कि वो उसकी बहनों से मिले. Shortly thereafter, however, a letter arrives from home telling Elizabeth that Lydia has eloped with Wickham and the couple is nowhere to be found. अब वो वहां पे होती है तो पता ये चलता है अपने मामू और मामानी के घर यानी के गार्डनर्स के घर, तो पता ये चलता है जनाब के लिडिया जो है वो भाग चुकी है विकम के साथ और दोनों कहीं पे भी नहीं मिल पाए. Which suggests that they may be living together out of wedlock. और लगता है ऐसे ही है कि शायद उन्होंने भाग के शादी कर ली. Fearful of the disgrace with the situation would bring on her entire family. अब वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि उसकी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा ये एक धब्बा हो जाएगा, डिस्ग्रेस होगी, डिस्डेन होगी उनकी फैमिली के लिए. Elizabeth हैस्टन्स होम, Elizabeth फौरन से घर भाग जाती है यानी कि घर जल्दी से चली जाती है. मिस्टर गार्डनर एंड मिस्टर बेनेट गो ऑफ टू सर्च फॉर लिडिया. मिस्टर गार्डनर और मिस्टर बेनेट यानी कि मामू और उसका फादर जो होता है वो लिडिया को सर्च आउट करने के लिए निकल पड़ते हैं. मिस्टर बेनेट एवेंचुअली रिटर्न्स होम एम्प्टी-हैंडेड. और मिस्टर बेनेट जो है वो जब घर पहुंचते हैं तो लिडिया नहीं मिलती. जस्ट व्हेन ऑल होप सीम्स लॉस्ट, जब तमाम जो होप्स हैं उनकी वो खत्म हो जाती है, अ लेटर कम्स फ्रॉम मिस्टर गार्डनर. तो एक लेटर आता है मिस्टर गार्डनर की तरफ से सेइंग दैट द कपल हैज बीन फाउंड दैट विकम हैज एग्रीड टू मैरी लिडिया इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल इनकम. कि कपल जो है वो दैट हैज बीन फाउंड के वो मिल चुका है, लेकिन विकम जो है हैज एग्रीड टू मैरी लिडिया कि वो उस सूरत में लिडिया से शादी करेगा इन एक्सचेंज ऑफ एन एनुअल इनकम. कुछ पैसे उससे मांगता है कि इतने पैसे देंगे तो फिर मैं इससे शादी करूंगा, अदरवाइज मैं इससे नहीं शादी करूंगा, क्योंकि वो बड़ा ही क्लेवर और ब्लैकमेल करने वाला फ्लर्टियस मैन. The Bennets are convinced that Mr. Gardiner has paid off Wickham. Bennets जो है वो convince हो जाते हैं कि Mr. Gardiner ने Wickham को पैसे pay कर दिए हैं, but Elizabeth learns that the source of money and of her family salvation was none other than Darcy. लेकिन Elizabeth को बाद में ये पता चलता है कि वो जो source है जिसने पैसे pay किए हैं वो सिवाय डार्सी के और कोई नहीं है, यानी कि वो पैसे डार्सी ने पे किए और वो विकम को कन्विंस करता है कि ये तुम पैसे ले लो और तुम लिडिया से शादी कर लो ताकि वो बेनेट फैमिली की इज्जत को बचा सके. नाउ मैरिड, विकम एंड लिडिया रिटर्न्स टू लॉन्ग बॉन्ड ब्रेवली. अब जो है विकम और लिडिया जो है लॉन्ग बॉन्ड चले जाते हैं. Where Mr. Bennet treats them coldly. जाहिर बात है भागी हुई बेटी जब घर वापस आती है तो Mr. Bennet जो है वो बहुत ज्यादा coldly behave करते हैं उन दोनों के साथ. They then depart from Wickham's new assignment in the north of England. फिर वो जो है विकम की जो नई असाइनमेंट होती है इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड वहां पे वो चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं. Shortly thereafter, Bingley returns to Netherfield. अब जो है बिंगली जो है वो अपनी स्टेट यानी कि नेदरफील्ड वापस आ जाता है एंड रिज्यूम्स हिज कोर्टशिप ऑफ जेन. और वो रिज्यूम करता है उसकी कोर्टशिप जो जेन यानी कि जेन के साथ जो उसकी कोर्टशिप थी जो उसका ताल्लुक था वो दोबारा से स्टार्ट होता है. डार्सी गोज टू स्टे विद हिम. डार्सी जो है वो बिंगली के साथ रहने चला जाता है एंड पेज विजिट्स टू बेनेट्स और वो बेनेट्स के घर आना जाना शुरू कर देता है बट मेक्स नो मेंशन ऑफ हिज डिजायर टू मैरी एलिजाबेथ. लेकिन वो कोई डिजायर शो नहीं करता कि वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है. बिंगली ऑन द अदर हैंड प्रेसेस हिज सूट एंड प्रपोजेस टू जेन टू द डिलाइट ऑफ एवरीवन बट बिंगली इज हॉटी सिस्टर. बिंगली जो है ऑन द अदर हैंड वो जो है कोशिश करता है कि वो उसकी और जेन की आपस में शादी हो जाए. वो प्रपोज भी करता है जेन को
टू द डिलाइट ऑफ एवरीवन बट बिंगलीज हॉटी सिस्टर. लेकिन वो जो बिंगली की हॉटी सिस्टर होती है वो नहीं चाह रही होती कि इधर शादी हो, क्योंकि उनको भी अपनी दौलत पे बड़ा नाज होता है. While the family celebrates, Lady Catherine the Bodge pays a visit to Longbourn. अब एक और विजिट आ गया जनाब लॉन्गबर्न की तरफ. तब लेडी कैथरीन जो है वो लॉन्गबर्न यानी के बेनेट फैमिली की तरफ के घर विजिट करती है. लॉन्गबर्न कहाँ होती है? बेनेट फैमिली. She corners Elizabeth and says that she has heard that Darcy, her nephew, is planning to marry her. वो एलिजाबेथ को एक तरफ ले जाती है और उसे कहती है कि मेरा जो नेफ्यू है, मेरा जो भतीजा, वो तुमसे प्लान कर रहा है, वो तुमसे शादी करने का. और since she considers a Bennet girl an unsuitable match for Darcy, और वो कंसीडर करती है ये जो Bennet girl है वो एक अनसुटेबल मैच है. वो उसको कहती है कि भाई तुम्हारे स्टेटस में और मेरे भतीजे के स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है, इस वजह से तुम डार्सी से अपने आप को दूर रखना. एक्चुअली शी वॉन्ट्स टू मैरी हर ओन डॉटर विद हिम डार्सी. ठीक है, वो चाहती है कि उसकी अपनी बेटी की शादी जो है वो डार्सी से हो जाए. दैट्स वाई वो फॉरन से लॉन्गबर्न पहुंचती है और वो चाहती है कि ये जो एलिजाबेथ है वो डार्सी के साथ शादी ना करे. लेडी कैथरीन डिमांड्स दैट एलिजाबेथ प्रॉमिस टू रिफ्यूज इट. उससे वो डिमांड करती है कि भाई तुम जो है रिफ्यूज करो उसको कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती. एलिजाबेथ स्पिरिचुअली रिफ्यूसेस सेइंग शी इज नॉट एंगेज टू डार्सी. वो कहती है कि वो पूरे इस जो उनका जो गुमान होता है, उनकी जो एक अपना एक सोच होती है, वो उसको कहती है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है और वो ना ही वो डार्सी के साथ एंगेज्ड है. बट शी विल नॉट प्रोमिस एनीथिंग अगेंस्ट हर ओन हैप्पीनेस. लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी हैप्पीनेस के अगेंस्ट कोई भी चीज प्रोमिस नहीं करूंगी. अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले अब पहले तो हमने बाकी फैमिलीज के बारे में पढ़ा, अब हम बिंगली फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बिंगली फैमिली जो है वहां पे हमने देखा कि उसकी जो दोनों सिस्टर्स वो भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक रखती थी. लेकिन जब एलिजाबेथ वहां पे जाती है और वो उससे मिलती हैं तो डार्सी ये नोट करता है कि ये एरिस्टोक्रेटिक्स तो हैं लेकिन इनके मैनर्स जो हैं वो एरिस्टोक्रेटिक नहीं है. तो उसमें भी डार्सी का अपना जो प्राइड है और उसका अपना प्रेजुडिस जो है वो काफी हद तक टूट जाता है. मोर ओवर जो ये आंट थी लेडी कैथरीन की जो हमने बात की, लेडी कैथरीन भी डार्सी की अपनी आंट थी. लेकिन जब उसने देखा कि ये भी एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी है, हालांकि लेडी कैथरीन जो है उसने मिस्टर कॉलिंस को भी पाला था और मिस्टर कॉलिंस जो है सॉरी डार्सी को पाला था और मिस्टर कॉलिंस जो है वो लेडी कैथरीन की ही स्टेट में प्रीस्ट था, तो वो जब देखता है कि लेडी कैथरीन जो कि उसकी अपनी आंट है वो भी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक रखती है बट शी इज नॉट so sophisticated and so aristocratic in her manners. तो यहाँ पे डार्सी का जो प्रिजुडिस होता है, प्राइड होता है और वो जो उसकी भी एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है उसका एरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में, वो टूट जाता है. आगे चलते हैं. A little later, Elizabeth and Darcy go out walking together. तो थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ और डार्सी जो है बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं. And he talks her that his feelings have not altered since the spring. और वो उसको बताता है कि उसकी जो feelings हैं वो spring से यानी कि summer से उसके summer के बदलने के साथ उसकी feelings change नहीं हुई Elizabeth के बारे में. He tenderly accepts his proposal and both Jane and Elizabeth are married. और वो जो है उसका proposal accept कर लेती है जब उसको Darcy second time propose करता है और फिर यूं Jane और Elizabeth दोनों की शादी हो जाती है. Thus the novel traces the relationship between Darcy and Elizabeth. तो ये जो novel है ये trace करता है relationship between Darcy और Elizabeth के दरमियान, hindered by the pride of Darcy, जो कि hindered था by the pride of Darcy and the prejudice of, जो कि clouded था pride of Darcy के साथ और prejudice of Elizabeth के साथ. The novel also presents a contrast between good and bad marriages. नॉवल जो है वो प्रेजेंट करता है कंट्रास्ट बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस, कि गुड और बैड मैरिजेस कैसी होती हैं. थीम ऑफ मैरिज इंशाल्लाह आज तो नहीं लेकिन आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी. टू जेन ऑस्टन फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर आर एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स. जेन ऑस्टन के लिए
एक सक्सेसफुल मैरिज जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर आर एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स, और जो उनके रिस्पेक्ट होती है यानी कि अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट, ये एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स होती हैं. वन शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय आउटर अपीयरेंस ऑफ और लव एट फर्स्ट साइट. और एक इंसान कभी भी आउटर अपीयरेंस या लव एट फर्स्ट साइट इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता. मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट मस्ट पास द क्लोज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. मैरिज जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए जो है ये पास होता है थ्रू द क्लोज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. There's only Darcy and Elizabeth's marriage comes up to this standard. और सिर्फ जो है Darcy और Elizabeth की मैरिज होती है जो कि through understanding and step by step जो उनके अंदर understanding होती है और step by step उनके दरमियान जो एक mutual एक bonding होती है, और इस तरह से सिर्फ Elizabeth और Darcy की जो marriage है उसको good marriage समझा जाता है. Second good marriage is Jane and बिंगली मैरिज, लेकिन सबसे इसमें जो बेहतरीन मैरिज समझा जाता है वो एलिजाबेथ और Darcy की मैरिज को समझा जाता है कि जिसके अंदर वो उसके अंदर केयर भी थी, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी थी, उसके अंदर सब था, और वो कोई लव एट फर्स्ट साइट पर डिपेंडेंट नहीं थी बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड उनकी मैरिज होती है. ये तो जनाब आपका हो गया कम्प्लीट. अभी मैं आप लोगों को एक